ये है कोसी टाइम्स न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसीटाइम्स.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा के शिक्षण संस्थान गौतम इन्फोटेक में हैं। यहां पर जो लैब टेक्नीशियन के छात्र यहां पर पढ़ते थे, उनके द्वारा ही आज निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। मधेपुरा के बहुचर्चित शिक्षण संस्थान गौतम इन्फोटेक में डोमेन स्किल सेंटर के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि यह स्वास्थ्य जांच का शिविर यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के द्वारा ही आयोजन किया गया था, जिसमें लैब टेक्नीशियन छात्र छात्राओं के द्वारा यह स्वास्थ्य शिविर किया गया था, जिसमें ग्रामीण इलाकों से भी काफ़ी संख्या में मरीजों ने अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुँचे थे। तो लगभग ये कितने बजे तक चलेगी, सुबह कितने बजे शुरू हुई? सुबह 9 बजे चालू हुई थी और 5 बजे शाम तक चलेगी। 5 बजे शाम तक, तो लगभग कितना अनुमान है कि आपको? 3:30। बताया गया है कि इस निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में हजारों की संख्या में मरीज यहां पर आज दिन भर में स्वास्थ्य अपना परीक्षण कराया है। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान ग्रामीण इलाकों के भी मरीजों की भीड़ देखने को मिली है। वहीं हमारे संवाददाता रविकांत कुमार के द्वारा लगातार सभी काउंटरों पर जा जा करके पूछताछ किया है और दिन भर का जायजा लिया, क्या कुछ वहाँ हुआ जानना चाहते हैं कि वो क्या उनका क्या काम है। यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में आ पाए हैं, कैसा अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत ही अच्छा है। हम अपना जो है ये नाम दर्ज करवाए, उसके बाद कहाँ से आ पाए? सदर प्रखंड। सदर प्रखंड के कौन से गांव से? पीपरपत्ता से आए। अच्छा लग रहा है कि छात्रों के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर की। बताया गया कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत मेडिकल लैब टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत यहां अध्ययन कर रहे छात्र छात्राएं जो लैब के सभी तरह के जांच में बेहतर हो चुके हैं, जो डॉक्टर एवं मेडिकल लैब प्रशिक्षक के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर में काम कर रहे हैं। इसे एक सामाजिक सरोकार के अंतर्गत स्वास्थ्य समाज शिक्षित समाज के उद्देश्य से भी यह शिविर का आयोजन किया गया है। अच्छा बताइए कि लेवल पर क्या हुआ, इस पर ब्लड ग्रुप हो, अभी तक आपने कितने का कर चुके हैं? अभी तक तो आप लोग यहीं पढ़े हैं? अभी पढ़ रहे हैं, 6 महीने। चलिए बहुत अच्छा। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि लगातार गौतम इन्फोटेक में जो यह स्किल डेवलपमेंट का कार्य चल रहा था, छोटे छोटे जो यहाँ के छात्र हैं जो अभी तक सीख रहे हैं और इन लोगों का कोर्स का बताया जा रहा है कि बाकी है, उनके द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। लगातार हम गौतम इन्फोटेक में आज निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था और हमारे साथ हैं गौतम इन्फोटेक के निदेशक हैं गौतम आनंद जी। इनसे कुछ बातें हम पूछेंगे और जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, ये कौन बच्चे हैं और किस तरह का यह आयोजन है? देखिए, ये तो सबसे पहली बात कि निःशुल्क आयोजन की जा रही है और यहाँ पे जो आज के डेट में जो बच्चे टेस्ट ले रहे हैं या जांच कर रहे हैं, वो सभी कौशल युवा प्रोग्राम के अंतर्गत जो डोमेन स्किल सेंटर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जा रहा है प्रशिक्षण, इसमें हमारे यहाँ मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स चल रहा है जो कि 1 साल का प्रशिक्षण है। इसमें आज पुनः लगभग करीब करीब 5 महीने कंप्लीट होने के बाद ये बच्चे अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि किसी भी तरह का जो लैब टेस्ट है वो बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ लगभग करीब करीब मॉर्निंग से लेके अभी तक हमने देखा कि करीब करीब 250 से ज्यादा लोग जो बाहर दूर दूर से लोग आके यहाँ पे इस शिविर का फायदा ले रहे हैं और उनको रिपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य बड़ा धन है और इसी बात को लेकर शिक्षण संस्थान जो मधेपुरा का है, चर्चित शिक्षण संस्थान गौतम इन्फोटेक में आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर किया गया था। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मधेपुरा से कोसी टाइम्स के लिए रविकांत कुमार की रिपोर्ट।